मुश्किल कुशा के बेटे को मुश्किल में मदद की जरूरत पड़ी और मुश्किल कुशा के बेटे पर वो वक्त आ गया कि उसे फरियाद रस की जरूरत पड़ रही है कि वो जुल्म और सितम की फरियाद सुनाए। तो आइए मालूम करें कि मौला को किस किस्म की मदद चाहिए थी। क्या इमाम जमाना कमजोर हो सकता है? हर चीज नहीं, इमाम जमाना सुप्रीम पावर का मालिक मा खौफुल फितरत रखता है, कायनात का कंट्रोल बहुक्म खुदा उसके हाथ में है, जमीन और आसमान को तहु बाला कर सकता है। उसे कैसी मदद चाहिए? इनके वालिद माजिद इमाम के वालिद अकदस ने फरमा दिया था कि अद दुनिया कजीफा, दुनिया तो मुर्दार की तरह है। ये तो उन लोगों से मदद मांगी जा रही है जो अल्लाह से कुछ ताल्लुक रखते हैं, दीन की कुछ मदद करने के काबिल हैं। उनसे आवाज इस तरह सा बुलंद की जा रही है। अगर इमाम चाहते तो दरियाए फुरात को खेमे में खेच लेते कि इनके बाप मुश्किल कुशा ने वो बाबे खैबर उंगली के इशारे से उखाड़ डाला जिसे 40-30 जन भी नहीं ला सके। तो इमाम को असल में दीन में मदद के लिए ये फरमान जरूरत में आया और इमाम ने ये फरमाया। तो आइए हम सोचें कि क्या उस वक्त इमाम की आवाज पर किसी ने लबैक कहा तो आप मुझसे ज्यादा तारीफ जानते हैं। मुसलमान आवाज तो सुनते रहे मगर एक कदम जुम्बिश नहीं हुई और लश्कर इमाम तो खत्म हो चुका था, वहां से कौन मदद को आता? तो क्या किसी ने लबैक कहा? तो चूंकि इमाम ने मदद की दरखास्त की थी और दरखास्त भी कुछ उम्मीद रख के की थी कि शायद मेरी आवाज पर कोई आगे बढ़े, तो आफरीन है उस शशमाहे को जो झूले में प्यास की शिद्दत में तड़प रहा था। उसने प्यास की शिद्दत से अपने होशो हवास को बरकरार किया और अपने आप को सदाए इमाम पर झूले से नीचे गिराया।